हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौहान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं रीप का स्पोर्ट राउंड के बारे में। मतलब रीप ने एक और मौका दिया है आपको, मतलब इस बार रीप को बहुत दया आ रही है आप लोगों के प्रति। जिन लोगों के स्टूडेंट्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म थी वो उन्होंने नहीं भरे थे, या जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ था फाइनल राउंड तक भी, मतलब थर्ड राउंड होता वर्ड मूवमेंट, उसके बाद भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, आप मायूस ना हो, आपको मौका दिया जा रहा है एक और, मतलब जो स्पोर्ट राउंड है उसको भी इस बार फॉर्म फिलिंग करा के सब कुछ करवाया जा रहा है। तो क्या कुछ है उसके अंदर बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जो लोग जिनको कॉलेजेस नहीं मिली थी या फिर जिनके जान पहचान वालों को कॉलेजेस नहीं मिली तो वो तो इस वीडियो को देखना ही, और जिनको कॉलेजेस मिल चुकी है तो वो अपना टाइम, शायद उनका थोड़ा टाइम बर्बाद ना हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। इसके इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जिनको सीट नहीं मिली थी या कॉलेज के अंदर कोई भी ब्रांच नहीं मिली थी। तो आते हैं यार, अपन बात करते हैं क्या उस नोटिफिकेशन के अंदर आया है, जो क्या कुछ राउंड के अंदर डिटेल्स दे रखी है उन्होंने, तो उसके ऊपर बात करते हैं, आपको थोड़ा समझाते हैं और कैसे क्या अप्लाई करने की डेट है, क्या एलिजिबिलिटी रखते हैं, किस तरीके से एडमिशन होते हैं, क्या क्या डेट्स को सारे प्रोसीजर फॉलो होंगे, वो सब कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत से लेके एंड तक वो बंदे जरूर से देख लेना जिनको रीप के अंदर सीट फिर से लेने की चांसेस है, मतलब वो लेना चाहते हैं लेकिन पहले नहीं मिली थी। तो आओ यार शुरुआत करते हैं, अपन चलते हैं अपनी रीप की साइट पर। तो आप लोगों को पता ही होगा रीप की साइट, जो हम हर वीडियो के अंदर जाते ही हैं, आपको नहीं पता देन हमको बता देता हूँ, CEGREAP2020 पर आपको जाना है। जैसे कि यहाँ पे हम जा चुके हैं, ठीक है, CEGREAP2020.com। अब यहाँ पे आने के बाद में ये देखो यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, अटेंशन नोटिफिकेशन फॉर स्पोर्ट राउंड, इस पर अपन को क्लिक करना है। अपन जैसे इस पर क्लिक करते हैं अपने सामने ये इंटरफेरेंस आता है रीप का, जिसके अंदर आपको कुछ नोटिफिकेशन दे रखी है, कुछ डिटेल्स दे रखी है उसी के रिगार्डिंग। तो उसका थोड़ा उसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और पढ़ते हैं उसको, और फिर आपको समझाते हैं क्या कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, लगभग 11 पॉइंट्स हैं। ओके, तो अब एक एक पॉइंट आपको पढ़ के बताता हूँ और साथ में समझा भी देता हूँ कि उसका मतलब क्या है। तो पहला पॉइंट है, विशेष अंतिम चरण के माध्यम से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को पूर्व आवंटित सीट, यदि रीट के 1, 2, 3 चरण में आवंटित है तो वो संस्थान से सुनिश्चित करके दिनांक 10/11/2020 तक निश्चित करावे। मतलब उनकी सीट फिक्स है या नहीं है, जिनको पहले कॉलेज के अंदर सीट मिल चुकी है तो वो कॉलेज से कंफर्म कर ले कि उनकी सीट फिक्स हो चुकी है या नहीं हुई है, तो वो 10 तारीख से पहले पहले कंफर्म कर ले। और जो जो लोग और आगे लिख रखा है जिनको फीस रिफंड के लिए जाना है वो सुनिश्चित करें, और आपको अगर वो सीट नहीं चाहिए देन आप फीस रिफंड के लिए उन कॉलेज वालों से कांटेक्ट करके अपना कंफर्म करेंगे हमको फीस रिफंड लेनी है, ठीक है। पहला पॉइंट के अंदर ये लिख रखा है। सेकंड पॉइंट दे रखा है, विशेष अंतिम चरण के माध्यम से सीट भरने हेतु कम से कम 2 या 2 से ज्यादा राष्ट्रीय स्तरीय अखबारों में विज्ञापित देना जरूरी है। हर साल ऐसा ही होता है, अगर आपके स्पोर्ट राउंड इनेबल होते हैं मतलब कॉलेजेस के अंदर देन वो अखबार के अंदर भी देते हैं, तो ये बोल रहे हैं कम से कम 1 या 2 तो अखबारों के अंदर देना ही है आपको, तो जब भी होंगे मतलब कितनी सीटें बाकी हैं वो अखबारों के अंदर भी आएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट दे रखा है, अभ्यावेदन प्राप्त करने हेतु प्रारंभ व अंतिम तिथि तथा प्रवेश संबंधित कार्यक्रमों रीप के जारी समय सारों हेतु विज्ञापन देनी जरूरी है। और ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट के अंदर कि जो भी आपके कार्यक्रम होंगे, मतलब जो भी किस डेट को आपको फॉर्म भरना है, किस डेट की आपकी लिस्ट निकलेगी, किस डेट को आपको रिपोर्टिंग करवानी है, वो सारी जो डिटेल्स है वो आपको उन अखबारों के अंदर वो भी देनी जरूरी है। ओके, चौथा पॉइंट है, समस्त योग्य अभ्यर्थियों को सूचित मेरिट अनुक्रम की तैयारी करनी होगी तथा प्राप्त आवेदनों हेतु सूची निर्धारित प्रारूप से संस्थान की वेबसाइट पे नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करवाएं। तो क्या है ये, इतनी हिंदी। ओके, तो जिन ने अप्लाई किया है तो उनकी एक परफेक्ट लिस्ट निकलानी है, और उनको अपनी अपनी साइट और नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड पर अपडेट भी करना है कि हाँ इन्होंने अप्लाई किया है इन कॉलेजेस के लिए, इन स्टूडेंट्स ने। चौथे पॉइंट के अंदर ये दे रखा है। पांचवा पॉइंट, संस्थानों द्वारा आवेदन की अप्लाइड व एडमिट सूची बनाकर रीप को भी आपको कार्यालय में प्रदत्त करनी, मतलब कि कॉलेजेस के लिए कि जो स्टूडेंट ने अप्लाई किया है स्पोर्ट राउंड के लिए उनको उन स्टूडेंट के नाम और जो भी उनके अप्लाइड की जो एक लिस्ट निकलती है वो इनको रीप वालों को भी देनी होगी, कॉलेजेस वाले देंगे।
ये है, ये अपने लिए नहीं है। छठा पॉइंट है कि संस्थानों द्वारा विशेष अंतिम चरण के रिक्त स्थानों पर 13-11 से तक प्रवेश का कार्य पूरा कर लिया जाए। मतलब कि जो भी सीट का कार्यक्रम है कि आखिरी जो सीटें बची हैं वो 13 तारीख 11वें महीने 2020 से पहले पहले खत्म करके कंप्लीट हो जाए। सातवां पॉइंट है बीई बीटेक पाठ्यक्रम वे निशेष अंतिम चरण के माध्यम से छात्रों की सूची प्रत्येक कोर्स के लिए दिनांक 13 तक आवश्यक रूप से इस सीट में पोर्टल को ऑनलाइन जमा करा दी जाए तथा विद्यार्थी से ₹250 अंतिम शुल्क लेके माध्यम से जमा करा देंगे ना। अच्छा तो वो यही है कि छठे और सातवां पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है कि जो लिस्ट है वो रीप की साइड पे भी देवे और ₹250 रीप वाले ही लेंगे। ठीक है, मतलब इसकी जो फीस होने वाली है इस फॉर्म की वो ₹250 ही है। ओके, आठवां पॉइंट ये है 13 तारीख से पहले सीईजी रीप 2020 पर प्रविष्टि ना होने वे अंस्था प्रति स्टूडेंट निर्धारित शुल्क जमा करावे अभाव अंतिम चरण से माना जाएंगे। अच्छा कि 13 तारीख से पहले पहले अगर आपको जो कॉलेज मिली है उसके अंदर आपने अगर फीस जमा नहीं कराई, रिपोर्टिंग नहीं करवाई, देन आपका एडमिशन उसके अंदर नहीं माना जाएगा। आपको 13 तारीख से पहले पहले सब कुछ काम करने होंगे। ओके, नवा पॉइंट ये है कि यदि किसी संस्था द्वारा वांछित योग्यत व मेरिट के संस्थान को उल्लेखित करने हेतु हुए प्रवेश की कार्रवाई की जाती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार उच्च संस्था मान्यता रद्द मानी जाएगी तथा शालांतित हेतु कार्रवाई की जाएगी। ठीक है कि यदि कोई संस्था, मतलब अगर आपकी मेरिट लिस्ट सही आई है, उसका नाम, उसके अंदर नाम आया है और फिर भी वो कॉलेज वाले आपको एडमिशन नहीं देते हैं, देन कॉलेज के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है। दसवें पॉइंट के अंदर TFWS सीट का है। जिन लोगों को TFWS सीट के बारे में नहीं पता, ये ट्यूशन फीस व्यूअर स्कीम है, उनके उन बच्चों के ट्यूशन फीस नहीं लगती है। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर ये कहना है कि AICTE के अंदर चौथे राउंड, इस स्पोर्ट राउंड के अंदर जो बच्चे आएंगे उनको सीट, ये TFWS सीट नहीं मिलेगी। ओके, और क्या है, और एक चीज और दे रखी है कि पुरानी संस्था है तो मिस करनी होगी। और हाँ, जो जो बच्चे TFWS के अंदर आते हैं और उन्होंने कॉलेजेस के अंदर फीस जमा करा दी है, मतलब पहले ही उनका फीस जमा करा दी है और बाद में उनका TFWS सीट के अंदर नाम आता है, देन कॉलेजेस आपको फीस वापस दे देंगे। ये ऐसा इसी के अंदर लिखा है 10वें पॉइंट के अंदर। 11वां पॉइंट है EWS कैटेगरी की सीटों पर प्रवेश उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जिनके पास EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो या वो EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं, अन्यथा इस श्रेणी की सीटें रिक्त रहेगी। मतलब किसी और को नहीं देंगे ये सीटें, सिर्फ EWS की जो सीट है वो EWS के स्टूडेंट्स को ही मिलेगी या फिर वो खाली रह जाएगी, लेकिन किसी और स्टूडेंट को नहीं देंगे। तो ये तो था इनका मेन पॉइंट्स। अब बात करते हैं एक्टिविटीज के ऊपर। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके एक्टिविटीज के अंदर आपकी चॉइस फिलिंग, सब उसी पर डिपेंड होता है। जो लोग पहले रीप से गुजर चुके हैं, मतलब पहले तीन राउंड से गुजर चुके हैं, उनको पता है कि चॉइस फिलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वो चॉइस फिलिंग आपको एक अच्छे कॉलेज से रहते रहते बचा भी सकती है और एक अपना सही चॉइस फिलिंग किए तो देन आप अच्छे कॉलेज के अंदर वापस जा भी सकते हो। तो चॉइस फिलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना। चॉइस फिलिंग के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो कैसे बेस्ट वे होता है चॉइस फिलिंग को फुलफिल करने का। ठीक है, तो वो चॉइस फिलिंग वाली वीडियो आपको मिल जाएगी अपने चैनल पर या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके भी देख सकते हो। तो आपको एक्टिविटीज अभी क्या है, स्पोर्ट राउंड की एक्टिविटीज है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पोर्ट राउंड की एक्टिविटीज जो है वो कुछ सीरियल नंबर दे रखी है एक्टिविटीज और उनकी डेट दे रखी है यहाँ पे। तो फर्स्ट सीरियल नंबर पे दे रखा है फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 19 तारीख 10वां महीना 2020, मतलब 19 तारीख, कल से आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे रीप के अंदर स्पोर्ट राउंड के अंदर। मतलब आपके फिर से फॉर्म भरे जाएंगे, जो लोग स्पोर्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपके कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फिर बता रहा हूं जल्दबाजी मत करना, पहले भी कुछ लोगों ने की थी, इस बार मत करना, जल्दबाजी करोगे नतीजा बुरा ही होता है। ठीक है, जल्दबाजी का जल्दबाजी मत करना, बस आराम से एक दो दिन लेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग बड़े आराम से करना। ठीक है, और बीच बीच में मैं शायद आपके लिए लाइव भी आ जाऊंगा, क्यों आपको बता दूंगा चॉइस फिलिंग कैसे क्या करनी है वो भी सब बता देंगे हम आपसे। तो जुड़े रहना हमसे और सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हर चीज की सबसे पहले, देन
सब्सक्राइब करके लाल वाला बटन जो है वो इनेबल कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। जैसे ही कोई अपडेट दूंगा फटाफट से आपसे आपके पास वो अपडेट पहुंच जाएगी। ओके, तो सेकंड ऑप्शन है एंड ऑफ चॉइस, एंड ऑफ फिलिंग द इंटरनल स्लाइडिंग फॉर्म, मतलब फॉर्म खत्म कब होंगे वो 9 तारीख 11वां महीना, मतलब 19 से लेकर 9 तारीख तक आपके फॉर्म चलेंगे। लगभग लगभग आपके पास 20 दिन है इस बार भी, 20 दिन बहुत लंबा टाइम है, आराम से फॉर्म भरना, कोई गलती मत करना, ठीक है? पिछली बार भी बहुत लोगों ने गलती। थर्ड, इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट डिक्लेरेशन। आपको कोई, जैसे आपको स्पोर्ट राउंड पहले कोई दूसरी कॉलेज मिली थी और आप अब सोच रहे हो कि अब आपको कॉलेज चेंज करनी है, देन आप इंटरनल स्लाइडिंग करा सकते हो दूसरी कॉलेजेस के अंदर, उसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो 11 तारीख को आ जाएगा। ओके, चौथा पॉइंट है डिस्प्ले सीट मैट्रिक्स फॉर स्पेशल राउंड आफ्टर इंटरनल स्लाइडिंग, मतलब कि आपको इंटरनल स्लाइडिंग हो गई उसके बाद में स्पोर्ट राउंड की सीट मैट्रिक्स, स्पोर्ट राउंड के अंदर कितनी क्या सीटें हैं वो आपको कहाँ पता चलेगा, 11 तारीख को, 11 तारीख 11वां महीना 2020 को आपको पता चल जाएगा। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, मतलब ओके अब समझ में आया, लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की है वो है 11 तारीख 11वां महीना 2020। ये जो एंड 9 तारीख थी वो है चॉइस फिलिंग इंटरनल स्लाइडिंग की एंड डेट। ओके, छठा पॉइंट मेरिट एंड सीट अलॉटमेशन, मतलब आपको कब कॉलेज मिली है, कौन सी सीट मिली है, कौन सी ब्रांच मिली है, कौन सी कॉलेज के अंदर मिली है, वो आपकी मेन डेट रहेगी 12 तारीख। तो 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आप स्पोर्ट राउंड के अंदर आपको कौन सी सीट मिली है। तो जो लोग पहले चूक चुके थे भाई, फिर बता रहा हूँ, कर लेना इसके अंदर कंप्लीट, अपने पास एक और मौका दिया है, मौका मिलता नहीं है ऐसे, बहुत लकी हो तुम लोग कि तुमको फिर से 2 से 3 बार मौके मिल चुके हैं। पहले भी 2 मौके मिल गए थे कि आपको अगर फॉर्म नहीं भरा था, 10 दिन के लिए फॉर्म और खोला था, तो उसमें भी अगर कोई चूक गए हो तो इसके अंदर ले लेना। और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर से शेयर कर देना जो रीप के अंदर कोई सीट नहीं ले पाए, या फिर उन्होंने रीप के बारे में कुछ पता ही नहीं था पहले लेकिन अब वो सीट लेना चाहते हैं, ठीक है? और आखिरी, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ रिपोर्टेड कैंडिडेट बाय इंस्टीट्यूट। आपको 12 तारीख को आपकी सीट अलॉटमेंट पता चलेगी, मतलब आपको वो सीट लेनी है, और आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ रिपोर्टेड कैंडिडेट लिस्ट, और आपको रिपोर्टिंग करनी है 13 तारीख को, 13 को ही रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है? एक ही दिन का टाइम है आपको। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग बाय मैनेजमेंट कोटा, और आपको जो मैनेजमेंट कोटा, मतलब ये जो चल रहा है उसकी लास्ट डेट आपको दे रखी है 18 तारीख 11वां महीना 2020। और फाइनल रिपोर्टिंग बाय इंस्टीट्यूशन रीप ऑफिस ऑल राउंड बाय एडमिशन एंड, 18 तारीख तक आपका सारा रीप खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आखिरी वाला है कि कितने किन बच्चों ने अप्लाई की रिपोर्टिंग करवाई थी, तो उसकी भी एक लिस्ट 18 तारीख को जमा हो जाएगी साइट पे। तो आपको ये सारी डिटेल बता दी है मैंने आपको, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऊपर बात करते हैं, फॉर्म के अंदर क्या क्या लगता है, कितने क्या फीस है वो मैंने बता दी, 250 रुपए फीस है फॉर्म के अंदर, क्या क्या लगता है वो मैंने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखी है। आप चैनल खोल के थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो है इसके अंदर बता रखा है क्या क्या फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, रिपोर्टिंग के अंदर कैसा क्या होता है सीन वो अभी पता नहीं है, ऑनलाइन हो रही है ऑफलाइन हो रही है इन्होंने कुछ कहा नहीं है अभी। ओके, और अभी ये इन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया है कि ये जो बच्चे रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, मतलब अभी स्पोर्ट राउंड हो रहा है तो किस बेसिस पर हो रहा है, जेईई मेंस या 12th, तो वो भी नहीं बोला है इन्होंने, कहीं पे लिख भी नहीं रखा है, तो वो हम भी अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन शायद से स्पोर्ट राउंड भी है जो 12th के बेसिस पे ही होगा, तो जो भी है अभी क्लियर नहीं है कुछ भी डाटा यहाँ पे कि किसके बेसिस पे हो रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, ठीक है? कुछ भी डाउट हो कमेंट के अंदर बता देना, अगर मैक्सिमम डाउट जिस टॉपिक के ऊपर आएंगे तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाने की ट्राई करूंगा, या फिर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना बेल आइकन दबा के, वीडियो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे क्या होगा जब भी मैं लाइव आऊं, मतलब आपसे कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने सवाल जवाब जो है लाइव के अंदर पूछ सकते हो, तो मैं आपको वहीं पे जवाब भी दे सकता हूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प की होगी, पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहले बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाला आइकन दबाइएगा, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, एज ऑलवेज सी या, हैव अ गुड डे। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than